हम लोग पिछले लेक्चर में देखा कि ग्रेटेस्ट पार्ट को किस तरह से ब्रेक किया जाता है, क्या उसका प्लान होता है, इंटीजर नॉन इंटीजर अगर किस तरह के सिचुएशंस होते हैं तो हैंडल किया जाता है। अब उसी के आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और भी करेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस साथ हम लोग फिनिश किया था। फिर तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या प्लान है इसका। ओके, एग्जाम्पल है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3.5। इस तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं पिछले वीडियो में, ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइप का भी हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर यहाँ लेस देन होगा यहाँ लेस देन होगा तो किस तरह से हैंडल किया जाता है, अब हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स लेस देन आई होप 4 मान लेते हैं, ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स लेस देन 4। अब बताओ आपको एक्स ऐसा सर्च करना है जो कि यहाँ सब्स्टिट्यूट करे और आफ्टर ग्रेटेस्ट पार्ट मतलब ग्रेटेस्ट पार्ट लेने के बाद इसका जो आंसर आए वो 4 से लेस आए, क्योंकि ये लेस का सिंबल है। तो ऐसा क्या क्या पॉसिबिलिटी है रख सकने का, ये मान लेते हैं नंबर लाइन है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की जगह पे अगर हम लोग 5 रखें तो 5 का ग्रेटेस्ट पार्ट 5 आता है, तो 5 लेस देन 4 कभी नहीं हो सकता, इसलिए गलत है 5। 3.9 रखा जाए तो 3.9 का ग्रेटेस्ट पार्ट 3 आता है, तो 3 भी छोटा होता है 4 से, जो कि ये बात सही है। तो इसलिए इस तरह सोचने से ज़्यादा बेटर है कि आप इस तरह सोचो कि ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स का जो आउटपुट होता है वो एक इंटीजर आता है, मैंने बताया था जो इसका रिजल्ट आता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो इंटीजर होता है और ये इंटीजर लेस देन 4 है। तो ऐसा क्या क्या हो सकता है ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स को लेकर, क्या क्या हो सकता है 4 से लेस में? तो 5 हो सकता है, सॉरी 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 माइनस 1 एंड लाइक है। तो इस तरह से माइनस इनफाइनाइट टर्म तक के काफ़ी सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स अगर 3 के इक्वल है तो एक्स इक्वल टू क्या लिखा जाए, ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा 3 से 4, ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स अगर 2 के इक्वल है तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 से 3 यूनियन। ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स अगर 1 के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा, अगर ये चीज 1 के इक्वल है तो ये आएगा 1 से 2, अगर ये चीज 0 के इक्वल है तो एक्स आ जाएगा 0 से 1 एंड इस तरह से काफ़ी सारे केसेस बनेंगे। ठीक है, तो यार अब देखा जाए कि यार इतने बड़े बड़े पार्ट में आंसर थोड़ी लिखा जाएगा, तो बहुत सारे चीज़ों में एक्सपेंड करके लिखा गया है। अब मैं यहाँ से लेकर आगे जितने भी केसेस आने वाले हैं उन सारे को अगर कलेक्ट करके लिखा जाए तो एक लाइन में क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ से वहाँ तक का मतलब सेम होगा अगर इनको इकट्ठा किया जाए, तो कैसे किया जाए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है ग्रेटेस्ट पार्ट 3 से 4, तो देखो यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे फिनिश हुआ है, जो स्टार्ट हुआ वो फिनिश हुआ, जो स्टार्ट हुआ वो फिनिश हुआ। तो यानी कि ये किस तरह चलता रहेगा, प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट, तो देखा जाए तो ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा कैसे, 4 3 2 1 0 लाइक दैट करते होते जा रहा है, 3 2 1 0 ये भी करते करते इनफाइनाइट जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से मैक्सिमम कहाँ तक रखें, तो ये 3 तक रखना होगा। ओके, 3 तक, इसके अंडर में ये सारे इनक्वालिटी लाई कर रहे हैं, जैसे 3 से लेस में कहीं ना कहीं 0 से 1 के बीच के भी नंबर आते हैं, 3 से लेस में 1 से 2 भी आ सकता है, 3 से लेस में 2 से 3 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ग्रेटेस्ट पार्ट 3। अब चाहो तो आंसर के हिसाब से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जैसे 3 पे क्लोज में लगाया क्योंकि यहाँ पे क्लोज था, 3 जब यहाँ रखा जाएगा इसका आउटपुट आएगा आपका 3, क्या 3 लेस देन 4 होता है, बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं इस तरह से लिखते हैं, या वो सोच रहे हो शायद यहाँ पे ओपन लगाया जाए, तो ये बताता है कि 4 से लेस। ओके,
फोर से लेस, तो फोर से लेस में क्या क्या नंबर आ सकता है? 3.99। तो 3.99 जब यहाँ लिखा जाएगा तो इसका जो आउटपुट आएगा वो यहाँ रखने पे हमेशा 3 से लेस ही रहेगा 4 के रिस्पेक्ट में, इसलिए ये 12 टर्म सही है। तो कई जगहों पे ये भी लिखा होता है और कई जगहों पे ये भी लिखा होता है, बट अगर मैं बात करूँ मोस्ट प्रोबेबल बात की तो ये ज़्यादा सही होगा आंसर के मामले में। सही है भी है बट ये ज़्यादा सही है, क्योंकि 4 पे अगर, हाँ ये गलत तब होता जब 4 पे क्या लगा दिया था हम लोग क्लोज, तब ये रॉन्ग होता। ठीक है, तो ये इसका पूरा प्लान है, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 पे क्लोज पे गलत क्यों जाता, क्योंकि 4 पे क्लोज लगा है यानी 4 पे, यहाँ 4 के ग्रेटेस्ट पार्ट क्या आएगा 4, अब बताओ 4 लेस देन 4 थोड़ी होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 4 पे लगाएंगे तो ही सही होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह अटेम्प्ट करते हैं। फिलहाल अगर बात करें फाइनल आंसर का वो ये वाला सही होगा। तो इस तरह से कई सारे सवाल होते हैं, ये फिलहाल इस सवाल का आंसर हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर इक्वल टू लगाए तो ऐसा क्या क्या हो सकता है, अगर यहाँ इक्वल टू लगा होता तो बताओ ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे इक्वल भी 4 लगा है, यहाँ पे 4 हो सकता था, 3 2 1 ये भी सब होता, तो 4 वाला जब यहाँ होता तो उसके हिसाब से सोल्यूशन लिखते हैं अलग, क्या लिखते हैं 4 से 5। अगर ये वाला 4 होता क्योंकि यहाँ इक्वल टू का 4 लगा तो 4 लिख सकते हैं, तो ये 4 से 5 है तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 4, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट किससे होगा 4 से, यहाँ पे फिनिश होगा 4 से, या यहाँ पे 4 पे क्लोज लगाते हैं तो यहाँ पे भी 4 पे क्लोज लगाना होता, तो इस केस में बाई चांस दोनों जगहों पे क्लोज लगाना सही है। क्यों सही है, कुछ लोग सोच रहे हो यहाँ पे 5 लिख दें, तो ठीक है लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 4.95 होगा तो 4.95 का ग्रेटेस्ट पार्ट क्या होता है, तो होता है 4, क्या 4 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, तो ये भी आंसर सही माना जाएगा ये भी, बट एग्जाम में जल्दी यही वाला आंसर आपके सामने दिया जाएगा, तो इसलिए ये वाला पार्ट आपका सही होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिख लो ताकि आगे बढ़े। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन क्वालिटी टाइप के सवाल खत्म होते हैं, तो यार इसके डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं बट उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप सोच सोच के करोगे तो थिंकिंग कहीं ना कहीं काम ही आएगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट मॉड ऑफ या हो सके तो पहले कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेना ज़्यादा बेटर है, समथिंग फार्मूला। देखो पहला ये वाली बात हमने फिलहाल पहले लिखवाया हुआ है कि ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स जो है वो एक एक्स होता है तब जब एक्स कैसा हो, इंटीजर हो। सेकंड पॉइंट, ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर आएगा। ऑलवेज इंटीजर, मैं एक्स को नहीं कह रहा हूँ, इस कंप्लीट रिजल्ट के बारे में बोल रहा हूँ कि ये जब कंप्लीट वैल्यू होगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमेशा एक इंटीजर ही आने वाला है। ठीक है, आई थिंक इतना ही रिजल्ट आपको दो याद रखना जरूरी है, हालांकि और भी सारी इनक्वालिटी होती हैं बट उसको कॉमन सेंस से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, जिसका यहाँ पे फिलहाल कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम हम लोग यहाँ पे सीख जाएंगे क्या इसका पूरा प्लान है, तो आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। थिंकिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाए तो बेटर है, ठीक है, कि कहाँ से आया, क्यों है, क्या क्या है, ठीक है, रटोगे तो भूल जाओगे, तो ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मॉड लगा हुआ है वो इस पूरे नंबर पर लगा है और आउटर फंक्शन आपका मॉड का है, याद करो मॉड के अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट चलता है कि जिस नंबर का मॉड लगा होता है वो चीज़ या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। मैं मॉड का आउटपुट नहीं कह रहा हूँ, मॉड के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये अंदर वाली वैल्यू या तो 3 हो सकता है या
टू ग्रेटेस्ट मॉड एक्स माइनस फाइव माइनस थ्री, याद होगा यार, मॉड एक्स इक्वल टू थ्री होता क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल टू थ्री हो सकता है या एक्स वैल्यू माइनस थ्री। ध्यान दे बेटा यहाँ पे और लगा होता है, और का मैथमेटिकल मतलब होता है यूनियन। ओके तो यूनियन का बहुत बड़ा रोल है। अब बात करते हैं यहाँ सोल्यूशन की, ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स इज इक्वल टू एट, तो ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स इक्वल टू फोर, ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स इक्वल टू फोर, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से लाई करता है, फोर से, फोर प्लस वन का, यानी कि इसको बात करें एक्स बिलोंग्स टू के रिस्पेक्ट में फोर से फाइव हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कुछ इस वाले प्लेस पे, तो टू ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स इज इक्वल टू टू, तो ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स लाई करेगा वन से टू, तो एक्स बिलोंग्स टू वन टू टू। ठीक है, तो ये दो पार्ट यहाँ पे हमने देखा कि फोर से फाइव एंड वन टू टू। ठीक है, तो इस तरह से पूरा प्लान करेंगे, लेकिन यहाँ पे और लगा मुझे इन दोनों के सॉल्यूशन का क्या लेना होगा, यूनियन। यूनियन का मतलब है कि इसको लिखो और साथ में इसको लिखो, तो आंसर कैसा लिखा जाए, एक्स बिलोंग्स टू वन से टू यूनियन फोर से फाइव। ओके, यही हमारे सवाल का फाइनल आंसर। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना होता तो मुझे वो पूरा नंबर लाइन करके इसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जाता है, वो वाला करते हैं। ठीक है, तो ये फिनिश हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब एक सबसे बेहतरीन फॉर्मूला हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, इस फॉर्मूले का यूज काफी अच्छे अच्छे जगहों पे यूज होता है। जैसे एक नंबर है x, ठीक है, फिलहाल एक ही है तो एक ही बात है, तो इस नंबर के अंदर लिखा हुआ है x और प्लस के बाद यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखा जाए, सपोज करो n, इस n की खासियत हो सिर्फ एक टाइप का, कि n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ऐसा हो, इंटीजर हो, ये x कैसा है हमें नहीं मतलब, लेकिन उस x में अगर कुछ ऐड किया जाए और वो क्वांटिटी ऐड वाला अगर इंटीजर होता है। अब इंटीजर दो टाइप के होते हैं, क्या पॉजिटिव इंटीजर के लिए लगेगा कि नेगेटिव इंटीजर के लिए, तो मेरा मतलब है कोई भी इंटीजर हो, चाहे प्लस का वाला इंटीजर हो चाहे माइनस वाला, दोनों केस में अगर सिर्फ इंटीजर होता है इस वाले प्लस की जगह पे, और ध्यान है यहाँ पे प्लस ही होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि आप इस इंटीजर को बाहर निकाल लो विदाउट ग्रेटेस्ट पार्ट, इस इंटीजर को बाहर निकाल लो, तो अब क्या बचा अंदर, एक्स, ये एक्स सिंगल एक्स थोड़ी बच रहा है, इसके साथ तो ब्रैकेट भी आ रहा है ये वाला, यानी ग्रेटेस्ट पार्ट वाला, तो इसको हम लोग सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो समझते हैं क्या मतलब इसका, इसमें लिखा है x प्लस थ्री, इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस थ्री, मां लिखा है x माइनस टू, तो अब लोग ये नहीं कर पाते हैं, रीजन क्या है, उनको लगता है कि यार ये तो प्लस के लिए बताया गया है, ये बात तो बिल्कुल सही है, प्लस के लिए ही बताया गया है, तो क्या हम प्लस नहीं बना सकते, बना सकते हैं ना, तो आप बताओ क्या माइनस टू एक इंटीजर नंबर होता है, आई का मतलब इंटीजर है, तो एक्स प्लस एन, तो फॉर्मूला क्या होगा, एन को एज इट इज बाहर निकाल लेते हैं प्लस के साथ, और ये निकालने बाद ये बॉक्स बचता है एक्स पे, तो इसको बहुत करोगे तो सिंप्लीफाई करने बाद प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या यहाँ पे एक्स एक्स ही होना जरूरी है, तो मेरा कहना है बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे साइन एक्स लिख दिया, ये इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन इसमें कुछ ऐड जो क्वांटिटी हो रहा है वो प्लस का है, वो भी फाइव इंटीजर में, तो फाइव को बाहर निकाल लें, क्योंकि इंटीजर्स को हमेशा बाहर निकालते हैं, तो यहाँ बचेगा ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर
प्लस नाइन या माइनस का नाइन। आई होप अब आप समझ गए होंगे, समझदार हो, या अब इस तरह से लिखना चाहिए। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो इन सारे बातों को मिला के बोले तो यहाँ माइनस का एन हो तो माइनस का एन, प्लस का एन हो तो प्लस का एन, लेकिन ये बात तब सही है जब ये एन वाला क्वांटिटी कैसा हो, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो एक बात और कर लेते हैं। मान लो अगर लिखा है एक्स प्लस 2.5, लिखा है एक्स प्लस 2.5, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? तो मेरा कहना है नहीं। क्यों? क्योंकि 2.5 ये नॉन इंटीजर है। कैसा है? नॉन इंटीजर। तो अगर नॉन इंटीजर होता है तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगता है और ना कभी लगेगा, लेकिन अगर आप लगाते हो तो ये गलत है, बाकी सारे प्रॉपर्टी आपकी सही लगी है। ठीक है, ओके। तो एक्स प्लस 2.5 तो ये नॉन इंटीजर था, इसलिए हम यहाँ पर अगर लिखते भी हैं तो वो गलत होगा अकॉर्डिंग टू लॉजिक। ओके, क्योंकि ये तभी लगता है जब एन वाला प्लेस जो होता है वो इंटीजर्स हो, बाकी किसी केस में भी नहीं लगने वाला। ठीक है, ठीक है, तो अब बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन तरफ। फाइंड एक्स यहाँ प्लस कर देते हैं यहाँ माइनस कर, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फिलहाल नहीं कह सकते क्योंकि ये ग्रेटेस्ट पार्ट है यहाँ पे, अभी तो नहीं है फिलहाल जो भी है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट होल स्क्वायर है। अब सही, ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग अभी जस्ट लेटेस्ट पढ़े, तो इस प्रॉपर्टी को देखो ध्यान से। प्लस वन, वन एक इंटीजर होता है बिल्कुल, तो आप उस वन को बाहर निकाल सकते हो, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स का स्क्वायर। ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स प्लस वन माइनस थ्री तो माइनस टू, दिस इज फैक्टराइज ओवरऑल, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज का मल्टीप्लाई जीरो का होता है, दिस इज जीरो जब फर्स्ट पार्ट जीरो होगा, या फिर सेकेंड पार्ट जीरो होगा। यहां से ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स की वैल्यू माइनस टू, यहां से ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स की वैल्यू प्लस का वन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स की वैल्यू अगर माइनस टू है तो एक्स कहां से लाई करेगा, ये सब फर्स्ट लेक्चर फॉर्मूला है, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। और सेकेंड वाला क्या है, ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स लाई करेगा वन से टू। अब और का मतलब होता है जितने अलग अलग सोल्यूशन आएंगे उनका क्या लेना, यूनियन। तो आंसर क्या होगा, माइनस टू से माइनस वन, यूनियन वन से टू। कुल लोग लग रहा होगा कि मैं उस इस तरह से लाइनिंग करके क्यों नहीं कर रहा हूँ, जो इस तरह से प्रोसेस होता है समथिंग टाइप जो भी होता है, इस तरह से इसलिए कर रहा हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो, इन दोनों को करने के बाद यही आंसर आएगा। ओके, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो अपने कॉपी में कर लो, फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो एक सवाल इस तरह से फिनिश होते हैं। सेकेंड पार्ट है ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, सेम बात यूज करते हैं हम लोग। सिक्स एक इंटीजर होता है इसलिए सिक्स को हम लोग बाहर निकाल लेंगे,
राइट के सारे पार्ट्स को हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर लें, तो इसका फैक्टर जब करेंगे तो आई थिंक आएगा -3 या +2, यानी कि 3 -2। तो ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स की वैल्यू या तो 3 होगा या ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स की वैल्यू -2 होगा, मतलब ये 0 होगा तो ये सॉल्व होगा, ये 0 होगा तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा। अब ये ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स 3 के इक्वल है तो एक्स ट्रांस का अलाई करेगा 3 से 4, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर का फॉर्मूला था जो मैंने बताया हुआ है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2 से +1 करेंगे तो -2, ठीक है। यहाँ से एक्स आता है 3 से 4 यूनियन एक्स आएगा -2 से -1, और इन दोनों को अगर कंबाइन करके यूनियन लिखा जाए तो जो आंसर आएगा एक्स बिलोंग्स टू -2, -1 यूनियन 3, 4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को भी फिनिश करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बेस्ट है और कई बार जेई में आया हुआ भी है, तो उसको देखते हैं क्या है जो मैं अब क्वेश्चन देने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन है b=3 ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ a +7 = 4 डॉट a -3 +4 फाइंड a +3। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि ये ग्रेटेस्ट पार्ट सिंबल है, वो अंडरस्टूड है, उसी का टॉपिक चल रहा है, तो ठीक है। बट अगर एग्जाम में कभी भी आएगा तो वो साफ साफ लिख के बताएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्वांटिटी देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट इक्वल है इसके और सेकेंड पार्ट इस थर्ड वाले के इक्वल है, कहने का मतलब है फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल के साइन है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट पार्ट होता है कि आप इसमें से कोई भी दो क्वेश्चन को आपस में सॉल्व कर लो। लेकिन दो मतलब कौन कौन सा हो सकता है, कोई पहले को लास्ट के इक्वल कर ले, लेकिन आप बताओ अगर पहले को लास्ट के इक्वल करोगे तो वो तो मैथमेटिकली सही है क्योंकि इक्वल का साइन है, लेकिन आप बताओ जब फर्स्ट को इक्वल करोगे सेकेंड के तो ये तो बी और ए दोनों के वेरिएबल में आ जाएगा। अब बताओ एक ही क्वेश्चन में दो वेरिएबल साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं मतलब इसको पूरा लेकर इसके साथ, तो इसमें भी दो वेरिएबल है तो भी फायदा नहीं होगा, ओके। लेकिन अगर लास्ट दो को इक्वल करके सॉल्व करें तो इसमें एक बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ भी ए वेरिएबल है और यहाँ भी ए वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, हालांकि लिख तो दोनों सकते हैं, ये भी लिख लिया और लास्ट के दो क्या है ठीक, दिस इज सेकेंड। तो आप देख सकते हो इसमें दो वेरिएबल है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को सॉल्व करना ज्यादा आसान है। तो किसी तरह से हम इसको सॉल्व करके ग्रेटेस्ट पार्ट ए निकाल लें, ग्रेटेस्ट पार्ट ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई करके 7 ऐड कर देंगे, तो पूरा का पूरा किसका आंसर आ जाएगा, बी वाले पार्ट का। तो 3 ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ ए +7, 4 ग्रेटेस्ट पार्ट ए -12 +4। गाइस यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ग्रेटेस्ट पार्ट ए की जो वैल्यू आएगा, 3 ग्रेटेस्ट पार्ट ए को उधर भेज दो तो 4 में सबट्रैक्ट होके ए आ जाएगा, और -8 उधर कर लो तो 7 + 8 15 हो जाएगा, ठीक। तो हमने यहाँ से ग्रेटेस्ट पार्ट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इसको पुट इन फर्स्ट बोले तो ये, तो देखते हैं क्या आता है। b=3 ग्रेटेस्ट पार्ट ए +7
ग्रेटेस्ट पार्ट एक वैल्यू यहाँ पे 15 है प्लस 7 ठीक है, तो ये आ जाएगा 52। अब बात करते हैं फाइंड क्या करना है अपने को, फाइंड करना है ग्रेटेस्ट पार्ट ए प्लस बी ठीक है, ग्रेटेस्ट पार्ट ए प्लस बी। ध्यान से यार, मैंने ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा है कि ग्रेटेस्ट पार्ट ए ग्रेटेस्ट पार्ट बी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो आपको यूज नहीं करना है। फॉर्मूला जितना पढ़ाया जाता है सिर्फ उतना ही फॉर्मूले होते हैं, बाकी केसेस में सिर्फ उसी फॉर्मूले से थिंकिंग किया जाता है कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है ठीक है। ये अपने को फाइंड करना है, यहाँ देख सकते हो अब बी और ग्रेटेस्ट पार्ट ए आया है, तो यार ये तो सिर्फ ए लिखा है और ये बी की जगह पर लिखा है, 52 हो गया। अब आप देख सकते हो एक्स प्लस एन, एन की क्वांटिटी यहाँ पे इंटीजर है क्योंकि 52 एक इंटीजर नंबर होता है। तो आज का जो फॉर्मूला बेस हम लोग 2-4 साल जो भी किए हैं अगर उसको ध्यान में रखते हुए फॉर्मूले लगाए तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ओके। इंटीजर को बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको बाहर निकालने के बाद ए और ये वाला बॉक्स बचता है तो उसके साथ हम लोग क्लोज कर देते हैं। आप देख सकते हो ग्रेटेस्ट पार्ट है वहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लिए, तो 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 1 6, यहाँ पे हम लोग 67 फाइनल आंसर आ जाएगा ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को फाइनली फाइंड आउट किया है, काफ़ी बेटर सवाल है। इस फॉर्मेट के कई बार कुछ लोग टेस्ट सीरीज देते होंगे तो उनमें भी आता है और कंपटीशन में भी आया हुआ है, तो ये बड़ा रिपीटेड फॉर्म है क्वेश्चन के ठीक है। तो आप इसको लिख लो ताकि आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन है सॉल्व जैसे लिखा है कि एक्स प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स इक्वल टू 8 ठीक है। आप बताओ कि एक्स प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स का पूरा ग्रेटेस्ट लगा हुआ है ठीक है, एक्स प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स का पूरा एक्स लिखा हुआ प्लीज। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू रियल रखा जाए एक्स के प्लेस पे, तो ये फर्स्ट फॉर्मूले के अनुसार हमने ये बताया था कि ये एक इंटीजर होता है ओके। एक्स चाहे जैसा रखो, रखने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर आएगा। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला हो गया एक्स प्लस इंटीजर, फॉर्मूला होता है कि इंटीजर को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं और इसको कॉपी करने के बाद ये एक्स बचा और ये ब्रैकेट्स होते हैं, तो उसी तरह से ब्रैकेट्स आप लिख दो, ये हो जाएगा 2 ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स इक्वल टू 8, तो 4 टू 5, सो एक्स बिलोंग्स टू 4 टू 5 ओके ओके। फिर इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे ताकि इससे बेटर भी सवाल होगा ओके।